जिसमें से एक बर्ड के नेस्ट में उसकी कलाकारी आपको छिपी हुई दिखाई देगी, जिसे बनाने के लिए वे हजारों बार उड़कर जाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही बर्ड्स के नेस्ट दिखाएंगे जो आपको हैरानी में डाल देंगे कि आखिर इन्हें कैसे बनाया गया। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीवर बर्ड जिसे हिंदी में बुनकर पक्षी भी कहा जाता है, इसका घोंसला सबसे खूबसूरत माना जाता है, जो हमें अक्सर ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर देखने को मिलता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये घोंसला मादा पक्षी नहीं बल्कि नर पक्षी बनाते हैं। ये पक्षी घोंसला बनाने के लिए घास की लंबी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। जब मेल वीवर बर्ड घोंसले का बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता है, तब फीमेल बर्ड उसे चेरी है। घोंसला बनाने की प्रोसेस अगस्त में शुरू होती है और फरवरी आते आते वो पूरी हो जाती है। वीवर बर्ड का घोंसला वाटरप्रूफ होने के साथ ही वो पक्षियों को जोरदार आंधी तूफान से भी बचाता है। है ना सच में कमाल। हमिंग बर्ड का घोंसला दिखने में एक छोटे कप जैसा होता है, जिसे फीमेल हमिंग बर्ड दिन में कई घंटे काम करके बड़ी मेहनत से बनाती है। इस घोंसले को बनाने के लिए लगभग 5 से 7 दिन लगते हैं। जमीन से 3 से लेकर 60 फीट की ऊंचाई पर इस घोंसले को पेड़ों की पतली डाली, रेशम और स्पाइडर सिल्क से बनाया जाता है। घोंसला तैयार हो जाने के बाद इसे बाहर की तरफ से हरी पत्तियों से ढका जाता है, जिससे कि यह पेड़ पर आसानी से दिखाई न दे। ये घोंसला बहुत ही ज़्यादा मुलायम होता है और इसकी खास बात तो यह है कि यह घोंसला स्ट्रेचेबल यानी इलास्टिक जैसा होता है, जो कि ऐसा घोंसला है जिसमें पक्षियों के बच्चे जैसे ही बढ़ते जाते हैं वैसे ही ये अपने आप को बड़ा कर लेता है। यह सचमुच में कमाल का है। बाल्ड ईगल। ईगल जिसे हिंदी में चील भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी पक्षियों में से इसे एक माना जाता है। अब पक्षी इतना बड़ा है तो जाहिर है उसका घोंसला कितना बड़ा होगा। बाल्ड ईगल का घोंसला लगभग 9 फीट चौड़ा और 20 फीट गहरा होता है। ये पक्षी अपना घोंसला ऊंचे पेड़ पर छोटी लकड़ियों और सूखी घास से बनाते हैं। अगर ये अपने बनाए हुए घोंसले में यहाँ अपने बच्चों को अच्छी तरह से पालने में सफल हो जाते हैं, तो उसी घोंसले को हर साल बढ़ाते जाते हैं, जिससे कि ईगल का पूरा परिवार वहाँ रह सके। सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में बाल्ड ईगल द्वारा बनाया गया घोंसला दुनिया का सबसे बड़ा घोंसला था, जिसका वजन लगभग 2 टन यानी कि 2000 किलो था, जो कि सुनने में आपको काफ़ी हैरानी भरा लगेगा। एडिबल नेस्ट स्विफ्लेट। ये सुनके शायद आपको अजीब लगे कि किसी बर्ड का नेस्ट खाया भी जा सकता है, लेकिन स्विफ्लेट एक ऐसा बर्ड है जो एडिबल नेस्ट बनाता है जिसे खाया जा सकता है। स्विफ्लेट बर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया यानी भारत के अंडमान निकोबार के इलाके में पाए जाते हैं। ये पक्षी अंधेरी गुफाओं में अपना घोंसला बनाते हैं। इनके घोंसले आकार में छोटे पॉकेट जैसे गुफा की दीवारों को लगकर होते हैं और ये पक्षी अपना घोंसला अपनी ही सलाइवा यानी लार से बनाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें खाया जा सकता है। जब भी धूप इन घोंसलों पर पड़ती है तब ये वाइट गोल्ड की तरह चमकते हैं। इन घोंसलों की कीमत करीब करीब $4,000 यानी कि 3 लाख रुपये प्रति किलो तक होती है, जिसकी वजह से लालची इंसान इनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। इसी वजह से दिन प्रतिदिन इन पक्षियों की प्रजातियाँ लुप्त होती जा रही है। ये कहीं ना कहीं हमें रोकना होगा। यूरोपियन बी ईटर बर्ड। ये खूबसूरत से दिखने वाले पक्षी अक्सर नदी या फिर समंदर के किनारे पाए जाते हैं। अंडे देने के समय ये पक्षी मिट्टी की दीवार में टनल यानी सुरंग बनाते हैं, जिसमें ये पक्षी तकरीबन 5 से 7 अंडे देते हैं। दोनों ही नर मादा अपने घोंसले की रक्षा करते हैं। ये पक्षी मधुमक्खी, हॉर्नेट, मौत आदि को अपना शिकार बनाते हैं और प्रजनन के समय मादा ये घोंसले के आसपास ही रहती है और नर खाना लाने का काम करते हैं। घोंसला जमीन से ज़्यादा ऊंचाई पर न होने के कारण इन्हें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि इनके घोंसले पर हमेशा सांपों का हमला होता रहता है। सोशिएबल वीवर बर्ड। इनका नाम सोशिएबल वीवर बर्ड इसलिए रखा गया है क्योंकि ये पक्षी झुंड में अपना घोंसला बनाते हैं। एक बड़े से घोंसले में तकरीबन 5 से लेकर 100 होल्स होते हैं, जिनमें 10 से लेकर 400 पक्षी रह सकते हैं। ये पक्षी अपना घोंसला पेड़ की ऊंचाई पर घास की तीलियों और छोटी छोटी टहनियों का इस्तेमाल करके बनाते हैं। कई बार एक ही पेड़ पर इनके 4 या 5 घोंसले भी देखे जा सकते हैं। अगर पेड़ ज़्यादा बड़ा हो तो इनके घोंसलों की संख्या और भी बढ़ जाती है। ये पक्षी सालों साल एक ही घोंसले का इस्तेमाल करते हैं और ये घोंसले वाकई में बहुत बड़े होते हैं।
कई बार दूसरे पक्षी जैसे कि स्पैरो वगैरह इनके घोंसले का भी इस्तेमाल करते हैं। ये घोंसले दूर से देखने पर मधुमक्खी के बड़े से छत्ते जैसे दिखते हैं, जैसे कि आप इनके लाइट पोल पर लगे हुए इस घोंसले को देख सकते हैं। शायद ही इससे पहले आपने ऐसा घोंसला कभी देखा होगा। ऑन कूड, ये पक्षी ज़्यादातर झुंड में रहना पसंद करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हॉर्न कूट अपना घोंसला पानी के ऊपर बनाते हैं। जी हाँ, पानी के ऊपर, जिसे फ्लोटिंग नेस्ट भी कहा जाता है। पेड़ों की छोटी छोटी लकड़ियों और घास से ये पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, जिससे कि ये घोंसला पानी में तैरता रहे। इनके घोंसले किनारे से तकरीबन 40 मीटर की दूरी पर पानी में बने हुए होते हैं, जो किसी आइलैंड की तरह दिखाई देते हैं। ये पक्षी मुख्य तौर पर मछलियों का शिकार करते हैं। प्रजनन के वक्त बच्चों का अच्छे से पालन हो और खाना भरपूर मात्रा में मिले, इसलिए ये पक्षी अपना घोंसला पानी में बनाते हैं। लेकिन कभी कभी पानी में आने वाले बदलाव या फिर तूफान के कारण इनके घोंसलों को खतरा होता है। हॉर्नकूट की तरह ही अफ्रीकन जैकाना भी अपना घोंसला पानी पर तैरता हुआ बनाते है। ये बर्ड मछलियों का शिकार करते हैं और ज्यादा रिसोर्सेस वाली जगहों पर अपने अंडे देते हैं। बच्चे बाहर आने के बाद मेल बर्ड उन्हें अपने पंखों के नीचे रखते हैं ताकि बच्चे सुरक्षित और गर्म रहे। फीमेल बारिश के मौसम में 7 से 8 अंडे देती है। इनके अंडे गोल्डन कलर के होते हैं, जिन पर ब्लैक लाइंस होते हैं और जो देखने में सच में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। गाइस, नेक्स्ट है कॉमन टेलर बर्ड। स्पैरो जैसे दिखने वाले ये पक्षी ज्यादातर हरी भरी जगह है, जैसे कि जंगल, गार्डन आदि के आसपास पाए जाते हैं। ये पक्षी अपना घोंसला पेड़ के पत्तों में बनाते हैं। ये वाकई में कमाल की कला है। और ये लोग घोंसला बनाने के लिए पहले पत्ते के किनारे पर अपनी चोंच से होल करते हैं, उसके बाद स्पाइडर सिल्क से उन्हें सी देते हैं, फिर इसके बाद उसके अंदर पक्षी मुलायम सिल्क रखते हैं। इनका घोंसला बिल्कुल एक कोन की तरह दिखाई पड़ता है और ये कलाकारी देखने में सचमुच अद्भुत है। पत्तों को सीकर घोंसला बनाने के टैलेंट की वजह से इस पक्षी का नाम टेलर बर्ड रखा गया है। ग्रेट हॉर्नबिल। हॉर्नबिल्स इंडिया, भूटान, नेपाल जैसे देशों में पाए जाते हैं। इनकी चोंच काफी लंबी, घुमावदार और मजबूत होती है। यह पक्षी घोंसला बनाने के लिए पेड़ के खोखले हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, जहां आसानी से छेद बनाकर घोंसला बनाया जा सकता है। इनका घोंसला पूरी तरह से बंद होता है, जिसे बाहर से कीचड़ से कवर किया जाता है। सिर्फ हवा आने के लिए और खाना देने के लिए एक छोटी सी जगह रखी जाती है और अंडे देते समय मादा हॉर्नबिल घोंसले के अंदर बंद रहती है। मादा हॉर्नबिल तब तक बाहर नहीं आती जब तक बच्चे काबिल न हो जाए। लगभग 3 महीनों तक वो अपने घोंसले में ही कैद रहती है। उसी दौरान मेल हॉर्नबिल बच्चों के लिए और फीमेल हॉर्नबिल के लिए खाना लाने का काम करता है। ये उसी छोटी सी जगह से खाना अंदर पहुंचाते हैं। भारत में इनको खाने के लिए और दवाइयों के लिए शिकार किया जाता है, जिसकी वजह से इनकी प्रजातियां लुप्त होती जा रही है। वुडपेकर बर्ड। वुडपेकर एक बहुत ही मेहनती पक्षी है, जो लगातार अपनी चोंच से पेड़ के तने को खोदकर अपना खाना ढूंढता है। इसकी चोंच काफी मजबूत और नुकीली होती है। ये एक हथौड़ी की तरह होती है, जिसका इस्तेमाल करके ये पेड़ की मजबूत से मजबूत छाल को भी बड़ी ही आसानी से तोड़ देता है। एक सेकंड में ये तकरीबन 20 बार चोंच मारता है। ये पक्षी अपना घोंसला पेड़ के अंदर बनाते हैं और इसे बनाने के लिए ये एक खोखले पेड़ को या फिर जिंदा पेड़ के खोखले हिस्से को चुनते हैं। अपनी मजबूत चोंच से ये पेड़ के अंदर सुराख बनाते हैं, जिसे अंदर से गहरा बनाया जाता है। घोंसला बन जाने के बाद वुडपेकर उसे मुलायम बनाने के लिए काई का इस्तेमाल करता है। ये घोंसला बनाने के लिए उसे लगभग 3 हफ्ते लगते हैं। उसके बाद फीमेल ही यंग बर्ड निकल आते हैं, जिनकी देखभाल मेल और फीमेल बर्ड एक साथ करते हैं। और गाइस, लास्ट में आता है इंजीनियर बर्ड। ये पक्षी मुख्य तौर पर साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। इस बर्ड की घोंसला बनाने की टेक्निक देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस बर्ड का असली नाम रूफोस हॉर्नर है, जो अर्जेंटीना का राष्ट्रीय पक्षी है। ये पक्षी कीचड़ और घास के छोटे तिनकों से अपना घोंसला बनाते हैं और ये घोंसले मिट्टी से बने होने के कारण बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। इसे बनाने के लिए हॉर्नर बर्ड को कई हजारों बार जाकर कीचड़ और घास को लाना पड़ता है और इस घोंसले को एक छोटा सा एंट्रेंस होता है ताकि सिर्फ बर्ड ही अंदर जा सके और शिकारी पक्षियों से उनकी रक्षा हो सके। एक बार घोंसले का इस्तेमाल हो जाने के बाद ये पक्षी घोंसले को छोड़ देते हैं, जिन्हें बाद में दूसरे पक्षी इस्तेमाल करते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन से पक्षी का घोंसला सबसे ज्यादा लाजवाब और इंटरेस्टिंग लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और यार, ये वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी, तो हो सके तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।